नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इज इंग्लिश इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, क्या अंग्रेजी हमारी सफलता के लिए जरूरी है। आप लोग सोच रहे हैं कि सर हिंदी पढ़ाते हैं तो इस टॉपिक की इस चैनल पर क्या जरूरत है। आप जानते हैं कि आप में से बहुत सारे छात्र उसकी तैयारी कर रहे हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की, SSC का जो जूनियर ट्रांसलेटर का जो एग्जाम होता है या फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो UPSC या फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम यही देखेंगे कि अंग्रेजी की कितनी अहमियत है, क्या अंग्रेजी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में आपकी सफलता में कोई भाषा कभी बाधक नहीं बनती है, कि आप अंग्रेजी जानते हैं कि नहीं। लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य है उसको देखते हुए यदि हम यथार्थवादी दृष्टिकोण से विचार करते हैं तब हम पाते हैं कि अंग्रेजी हमारी सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन दिस लेक्चर सीरीज, इन दिस लेक्चर, एंड टुडे आई विल टेल यू दैट इंग्लिश इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। इससे क्या क्या फायदा होता है, अंग्रेजी से आपको क्या क्या लाभ है। द फर्स्ट वन इज यू विल फील कॉन्फिडेंट आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। यदि आप अंग्रेजी भाषा जानते हैं वर्तमान परिदृश्य में तो आप में अपने जो बाकी साथी हैं उनकी तुलना में आप में आत्मविश्वास कुछ अधिक होता है। दूसरा, यू विल ग्रूम योर पर्सनैलिटी आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। यदि आप अंग्रेजी सीख जाते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है तो आपका व्यक्तित्व पहले से ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप एक नई भाषा सीख गए, एक नई स्किल सीख गए। इसके बाद यदि आप कहीं पर एंकरिंग कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम की कंपेयरिंग कर रहे हैं, देन ऑल्सो इंग्लिश प्लेस अ वेरी वाइटल रोल। It doesn't matter whether that program is Hindi or English, but sometimes you have to speak English. So that's why you have to learn English. इसके बाद जो leadership quality develop होती है आप में। दुनिया में जितने भी leader हुए हैं, दुनिया में जितने भी नेतृत्व करता हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं, उनमें आपने एक बात देखी होगी खासकर leadership के लिए, जो वे बहुत अच्छे orator होते हैं, बहुत अच्छे speaker होते हैं। It means almost all the leaders, one quality is common, that they are good orators. तो ये आपने महसूस किया भी होगा। इसके बाद कन्वर्सेशन, दैट इन द प्रेजेंट सिनेरियो दैट यू हैव टू स्पीक विद अदर पीपल इन इंग्लिश, देन आल्सो यू हैव टू लर्न इंग्लिश। कई बार ऐसा होता है कि आपको अंग्रेजी भाषा में बात करना पड़ता है किसी भी, तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद UPSC इंटरव्यू, UPSC के जब इंटरव्यू में जाते हैं, यदि आप साक्षात्कार तक पहुंच जाते हैं और आप भले ही आपने हिंदी साहित्य को ऑप्शनल के रूप में लिया है, तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। यू हैव टू बी मेंटली रेडी फॉर दैट यूपीएससी इंटरव्यू विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश, सो देयर आल्सो यू विल हैव टू आंसर इन इंग्लिश। इसके बाद आजकल प्राइवेट कंपनीज में, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हमारे इंडिया में आए हुए हैं, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहां पे भी यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं तब वहां पर भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, सरकारी क्षेत्र में इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम्स और जूनियर ट्रांसलेटर एग्जाम्स, देन ऑल्सो यू शुड हैव गुड कमांड ओवर बोथ द लैंग्वेजेस, देन ओनली यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दैट। तो वहां पर भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं आता हूं आपको सीखना कैसे है। जब एक बच्चा दुनिया में आता है तब वह केवल एक ही भाषा जानता है, मतलब भाषा नहीं आता, वह बोलने की क्षमता उसमें रहती है। जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तब बोलने की क्षमता तो उसमें रहती है, लेकिन वह जिस वातावरण में रहता है, जैसा उसके माता पिता बोलते हैं, वही भाषा वह सीखता है। इट मीन्स वेन अ चाइल्ड टेक्स बर्थ ही लर्न्स अ लैंग्वेज, ही एक्वायर्स अ लैंग्वेज फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स, उसके जो सराउंडिंग है, ही लर्न्स द लैंग्वेज फ्रॉम हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से वह भाषा सीखता है, बोलने की क्षमता लेकर वह आता है। इसके बाद भाषा को सीखने की जो प्रक्रिया है, हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज, हाउ टू डेवलप द स्किल, लैंग्वेज स्किल्स, देयर आर फोर स्टेजेस टू लर्न एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो शुरुआत में हम सुनते हैं, वी लिसन्स दैट समवन इज स्पीकिंग एंड वी लिसन्स टू देम, सम पीपल आर स्पीकिंग, वी लिसन्स टू देम, कुछ लोग बोल रहे हैं उसको हम सुन रहे हैं, वहां से हम सीखते हैं। इसके बाद दूसरा क्या होता है, जब हम सुनते हैं तो हम बोलना सीख जाते हैं। इसलिए जब आप प्राइमरी एजुकेशन में जाते हैं तो सबसे पहले टीचर आपको बोलते हैं, कोई चार्ट दिखाते हैं, उस चित्रों को देखकर हम पहचानना सीख जाते हैं, छोटे बच्चे पहचानना सीख जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो बोलना शुरू कर देता है, ही स्टार्ट्स स्पीकिंग, वो चित्रों को पहचानता है, फिर वो बोलता है। इसके बाद तीसरी जो प्रक्रिया है वह है रीडिंग। तो लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग,
जब वो वर्णमाला को सीख जाता है कोई बच्चा, अल्फाबेट को जब वो सीख जाता है, देन ही स्टार्ट्स रीडिंग एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा आप चीजों को सीखते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा आप सुनेंगे, जितना ज्यादा आप बोलेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, इसके बाद जो आखिरी प्रक्रिया होती है वह होती है राइटिंग। देन अ चाइल्ड स्टार्ट्स राइटिंग द लैंग्वेज। तो ये चार चीजों का यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तब आप किसी भी भाषा में असाधारण क्षमता अर्जित कर सकते हैं। यू कैन लर्न द लैंग्वेज, यू कैन एक्वायर गुड कमांड ओवर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब सुनने का मौका कहां पर मिलता है? दैट फ्रॉम आवर सराउंडिंग, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, बट समटाइम्स दे डोंट स्पीक इंग्लिश। या हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर इंग्लिश बोलने का प्रचलन नहीं है इंडिया में, तो कहां से सुनेंगे? तो वी आर हैविंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू लिसन टू द लैंग्वेज। द फर्स्ट वन इज टेलीविजन, जो बहुत सारे समाचार चैनल है या फिर दूरदर्शन के जो राष्ट्रीय जो प्रसारण सेवा है वहां पर आप अंग्रेजी समाचार वगैरह सुन सकते हैं, अंग्रेजी के प्रोग्राम सुन सकते हैं, टीवी हो गया और रेडियो हो गया। जहां पर यू कैन कन्वर्स विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन टॉक टू योर टीचर्स, आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। और जब आप दोस्तों से बात करते हैं तो आपके सामने कोई औपचारिकता वाली बात नहीं होती है, बहुत फ्रीली आप दोस्तों से बात कर सकते हैं। तो आप एक दूसरे की हंसी ना उड़ाएं बल्कि सीखने का प्रयास करें, कन्वर्स, है ना, कन्वर्सेशन। यदि दो व्यक्ति किसी इंटरव्यू में पहुंचते हैं, चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, और दोनों बराबर क्वालिफिकेशन, लगभग बराबर ही नंबर है, तो एक व्यक्ति जो अंग्रेजी ज्यादा जानता है उसको प्रीफर किया जाता है इंडिया में, हमेशा ध्यान में रखिएगा। द पर्सन हु नोज इंग्लिश ही इज ऑलवेज प्रीफर्ड। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत इमोशनली, बहुत सारे रिमोट एरियाज के जो बच्चे हैं, है ना, जो पढ़ना चाहते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे चैनल में बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं, कई लड़कियां ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर पढ़ाई कर, ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं और पढ़ना चाह रही हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं। या कुछ लड़कियों की शादी हो जाती है, वो भी आगे पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो बाहर शहरों में जाकर तैयारी नहीं कर सकते, बहुत सारी किताबें नहीं खरीद सकते, सबकी आर्थिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन उनमें महत्वाकांक्षा होती है कुछ आगे बढ़ने की, कुछ आगे कुछ बड़ा कर गुजरने की। आपने देखा होगा कि यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र होते हैं, विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश वगैरह के, तो यूपीएससी में उनका रेचे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें महत्वाकांक्षा होती है, संघर्ष करने की क्षमता होती है। नहीं, सभी क्षेत्रों में यह होती है, लेकिन वहां पर एक महत्वाकांक्षा इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती है। तो वैसे ही यदि आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं जिंदगी में, इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिग, समथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग रिमार्केबल इन योर लाइफ, देन यू हैव टू लर्न इंग्लिश। बहुत सारे माध्यम है यहाँ पर, एक से बढ़कर एक टीचर्स आपको यूट्यूब में पढ़ा रहे होंगे, तो आप कौन सा सीखना है। एंड आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी ऑफ द कंपनीज आर एनी इंस्टीट्यूशन दैट यू हैव टू गेट एडमिशन इन दिस एंड यू हैव टू लर्न इंग्लिश। यू कैन लर्न इट फ्रीली, वेरी इजिली, सो मेनी टीचर्स आर अवेलेबल। यूट्यूब तो एक ऐसा माध्यम हो गया है कोरोना के बाद से, एक से बढ़कर एक बेहतरीन टीचर यहाँ पर आकर आपको पढ़ा रहे हैं, एक से बढ़कर एक विद्वान शिक्षक यहाँ पर है। मैं खुद उनसे सीखते रहता हूँ बहुत सारी चीजों को, जैसे आज मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, ये सारा तकनीकी को मुझे बहुत ज्यादा सीखना पड़ा था, यूट्यूब के माध्यम से मैंने सीखा है। तो दो तीन चीजें जो आपके व्यक्तित्व को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही जरूरी है, एक तो कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, कम से कम साधारण ज्ञान आपको होना चाहिए, और अंग्रेजी भाषा में भी आपकी असाधारण क्षमता होनी चाहिए। तो आप भाषा को इम्प्रूव करें बहुत ही आसान है। इसके बाद मैं आता हूँ उच्चारण के ऊपर। उच्चारण किसी भी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ओके, प्रोनंसिएशन इज अ वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, सो यू शुड ट्राई टू करेक्ट, यू शुड ट्राई टू प्रोनाउंस द एनी ऑफ द सेंटेंस करेक्टली। किसी भी भाषा में जो शब्दों का जो उच्चारण है वो आपका शुद्ध होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखें। उसके बाद ग्रामर, क्या ग्रामर जरूरी है अंग्रेजी के लिए? बिल्कुल जरूरी है। जैसे हम वहां पर रास्ते में चलते हैं, यदि हम कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, देन वी हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। You know very well that in some of the places we cannot overtake, so their marking is there in the highways. आपने देखा होगा हाईवे में कुछ मार्किंग रहते हैं जो एकदम स्ट्रेट लाइन है, जो कटे वटे लाइन नहीं, वहां पर हम ओवरटेक नहीं कर सकते, छोटे छोटे डॉटेड लाइन है वहां पर हम ओवरटेक कर सकते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग का क्या उपयोग है, तो बहुत सारे वहां पर वो बने रहते हैं, तो उन चिन्हों का हमको पालन करना होता है, उन नियम कानून का पालन करना होता है। तो उसी तरह ये भी है कि आपको भाषा में जो व्याकरण होता है वो उसको भाषा को अनुशासित करता है ना। ग्रामर प्लेस अ वेरी वाइटल रोल रोल इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न ग्रामर आल्सो, इट्स वेरी इजी। अधिकांश चीजें लगभग एक जैसी होती है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू कन्वे,
दैट इफ यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेजेस डोंट फील इंफीरियर, मतलब आप अपने मन में हीनता बोध को जागृत ना करें, अपने अंदर को हीनता बोध, अपनी हीनता की ग्रंथि ना रखें कि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हूं तो अंग्रेजी नहीं सीख सकता या अंग्रेजी नहीं बोल सकता। अंग्रेजी जो है हिंदी से बहुत ज्यादा ईजी है, अंग्रेजी जो होती है ना हिंदी से बहुत ज्यादा ईजी है, बस हमको उसमें प्रैक्टिस करना होता है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को कहना चाहता था। यदि किसी के भी जिंदगी में मेरे इस लेक्चर से बदलाव आता है तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। आप अपने अंदर महत्वाकांक्षा रखें, कुछ बड़ा करना है। कठिनाइयां सबके जीवन में आती है, जैसे आपके सामने मैं बहुत कूल माइंड से बैठकर आपको बता रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं होगी? तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जिसको संघर्ष करना नहीं पड़ रहा होगा। बस लेवल अलग अलग होता है, संघर्ष का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। और अभी आपने रिसेंटली एक फिल्म देखी होगी जिसमें जो नायक होता है बहुत ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से और चंबल की जैसे पृष्ठभूमि से कितनी ऊंचाई तक वह पहुंचता है। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह तक पहुंच सकता है, लेकिन बस उसको मालूम होना चाहिए कि मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वहां किस कौशल की आवश्यकता है, किस स्किल की आवश्यकता है। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू रीच देयर एंड वेदर आई पजेस दोज स्किल्स आर नॉट, वेदर यू आर हैविंग दोज स्किल्स आर नॉट, एंड इफ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ दोज स्किल्स यू हैव टू डेवलप द स्किल्स विद इन यू। आपके भीतर वह कौशल बनाना है, तैयार करना है, आपको कौशल अर्जित करना है। यू हैव टू लर्न समथिंग, यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ, यू हैव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी लाइक दैट। तो आपके अंदर क्या कमी है उसको आपको देखना है कि मैं यहां पहुंचना चाहता हूं, वहां पहुंचने के लिए क्या क्या योग्यता अपेक्षित है, क्या क्या कौशल मुझे चाहिए, क्या क्या स्किल्स मुझे चाहिए, क्या वह कौशल मेरे अंदर है कि उसकी कमी है। यदि हुआ है तो मुझे उसको और आगे बढ़ाना है, उसको और अच्छा करना है, उसमें सुधार करना है। और यदि वह स्किल मेरे अंदर नहीं है तो वह स्किल मुझे अपने अंदर पैदा करना है, अभी आप उस जगह तक पहुंच पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यह नहीं रहता कि मैं आपको खाली यहाँ पर पढ़ाते रहूं, तो मैं बहुत सारे आपको टिप्स भी देता हूँ जिंदगी के लिए। बीच बीच में मेरे इस टाइप के लेक्चर जो आते हैं और आते रहेंगे और छात्रों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, लेकिन आप में महत्वाकांक्षा जरूर होना चाहिए, आप में मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जिनको कम उम्र में शादी हो गई होगी, पढ़ने की इच्छा होगी तो जरूर पढ़ें, आगे बढ़ें। मन में आप हिंता बोध पाल कर ना रखें, सारी जिम्मेदारियों के बीच भी आप समय निकाल सकते हैं। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी रहते होंगे लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेट और यूट्यूब तक आपकी पहुंच होगी तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपके अंदर महत्वाकांक्षा और उसको हासिल करने की जो जीवटता होती है, जो जिजीविषा होती है, वही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाती है। बाकी सारी समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में होती है। यदि आपको उन समस्याओं को, उन बाधाओं को पार करना है तो आपको अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए चार स्किल्स का बार बार आपको अभ्यास करना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और आप शब्दकोश देखने का भी अभ्यास जरूर करें, अंग्रेजी भाषा हो या फिर हिंदी भाषा हो, आप शब्दकोश जरूर देखें। छात्रों का प्रायः कमेंट्स आता है मेरे चैनल में कि आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसका मैं बता देता हूं इसका कारण क्या है। क्योंकि मैं अंग्रेजी में मैंने एमए किया हुआ है, हिंदी में मैंने एमफिल किया हुआ है और पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। तो क्या है, पढ़ते पढ़ते हो गया, क्योंकि अंग्रेजी का जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है दैट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मैंने उसको अंग्रेजी में भी पढ़ा है एमए में, तो दोनों ही भाषाओं में मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा है, तो उसमें मेरी रुचि भी है, तो समझ थोड़ी विकसित हो गई है, तो इसलिए आप लोगों को अच्छा लगता होगा। मतलब यदि दोनों भाषाओं में आपकी अच्छी पकड़ है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, भले ही आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका अच्छा कमांड है, अच्छी पकड़ है, तो निश्चित रूप से आप दूसरों से ज्यादा बेहतर रहेंगे, ज्यादा सफलता हासिल करेंगे। तो फिर आज का सार क्या है, इज इंग्लिश इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस? द आंसर इज यस, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन द प्रेजेंट सिनेरियो इन इंडिया। तो भारत में वर्तमान परिदृश्य में यदि आपको अंग्रेजी का ज्ञान है तो निश्चित रूप से आप अन्य साथी जो आपके बराबर टैलेंट रखते हैं, आपके बराबर प्रतिभावान हैं, उनसे आप बेहतर पोजीशन में अपने आप को पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप लोगों को आज का यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आज का यह लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।